91 सरगम तेज की धारणा से तेज रूप बनकर श्री वशिष्ठ जी ने जो सूर्य चंद्र अग्नि एवं रत्न आदि के चमत्कार देखे उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी उसके बाद जल धारणा से विचित्र कौतुक देखने के बाद प्रबल तेज धारणा से मैं चंद्र सूर्य तारा अग्नि आदि विचित्र अवयव से संपन्न तेज बन गया। तेज निरंतर सत्व प्रधान प्रधान प्रकाश प्रदान होता है। इस समय मैं एकमात्र प्रकाश रूप आकार से चमकने लग गया। मैं अंधकार पर ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने बुरा चुराए हुए पदार्थों को छोड़कर भाग रहे चारों चोरों पर राजा प्रतापी होता है। जैसे श्रेष्ठ राजा तरह तरह की वेशभूषा से परिभ्रमण करने वाले स्नेहयुक्त गुप्तचरों द्वारा सबके घर का वृत्तांत प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही हजारों बत्तियों से विहार करने वाले तेज युक्त दीपक आदि के द्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया है। मैंने तेज रूप बनकर केवल दूसरों के प्रकाश के प्रकाशन में ही तत्पर रहने वाले अत एवं जनों एवं भुवनों में अति सन्नुष्ट तथा पुलकित रहने वाले चंद्र सूर्य की किरण रूपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देने वाले अंधकार रूप वस्त्र के सदस्य दृश्यमान आकाश रूप वस्त्र को उठाकर दूर फेंक दिया। तेज अंधकार को क्यों दूर फेंक देता है? इस पर कहते हैं, भद्र, ये विद्यमान संपूर्ण जगत समस्त गुणों को छिपा देने वाले अंधकार रूपी दीनता का विषय है। यानी अंधकार रूपी दीनता जगत में जो गुण जो रूप आदि गुण हैं उनको देखने नहीं देती और दूसरे की दीनता को दूर करने में समर्थ सभी गुणशाली पुरुष उत्तम दीनता रहित जगत को देखना चाहते हैं। अतः तेज के द्वारा अंधकार को समस्त जगत से हटा देना युक्त ही है। श्री रामचंद्र जी, मैं जिस तेज के रूप में परिवर्तित हुआ तब तेज तमोरूप तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है, उत्तम शुद्धि का स्थान है तथा तेज रहित सुवर्ण मणि माणिक आदि का लोक में समादर नहीं होता। अतः वह तेज सुवर्ण आदि रूप जनों के आदर का हेतु है, अथवा सुवर्ण मणि माणिक मोती आदि के स्वरूप से समस्त जनों का विश जीवन साधन है। संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के तेज के ही अंश हैं। अतः सदा आलोक की तेज की गोद में शयन करने वाले श्वेत कृष्ण अरुण आदि समस्त वर्णों का पुत्रों को देह देने वाले पिता के सदस्य व तेज स्वरूप दाता पिता है। राम जी, ये तेज पृथ्वी के असाथ अत्यंत घनी प्रीति रखता है, इसीलिए तेज अग्नि द्वारा पृथ्वी को मिट्टी को नहीं जलाता। पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने के लिए हर एक घर में बड़े प्रेम से भीतर प्रासाद महल आदि का रूप लेकर तेज के पुत्र दीपकों की वायु आदि के झंकारों से रक्षा करती है। तमो भाग रजो भाग एवं सत्व भाग की बहुलता से युक्त पाताल आदि लोकों में तेज के प्रकाश का तारतम्य बतलाते हैं। तमोगुण की अधिकता से युक्त पाताल कुआरों में ये तेज स्वल्प प्रकाश करता है और अधिक अनेक विध भूतों की माला परंपरा से युक्त रजोगुण की विपुलता वाले भूतल में ये आधा प्रकाश करता है। सत्वगुण में यानी सत्वगुण की प्रचुरता से युक्त देवलोकों में यह निरंतर महान प्रकाश करता है। भद्र, ये तेज जगत रूपी जीर्ण शीर्ण कुटिया का दीपक है और अंधकार के लिए महाअगाध कूप है। यानी जैसे अगाध कूप जल को अपने उदर में निकल जाता है, वैसे ही वह अंधकार को अपने अंदर निकल जाने वाला है। दिशा रूप वधुओं के लिए तो वह तेज निर्मल दर्पण है, यानी उनको अलग अलग करके दर्शाता है। निशा रूपी निहार के लिए वायु है, यानी वायु के सदस्य उनको नष्ट कर देता है। चंद्र सूर्य और अग्नि के लिए तो जीवन सर्वत्र है और स्वर्ग लोक के लिए कुमकुम का तिलक है। दिवस रूपी धनों के लिए वह क्यारी है। तम से अंधकार से आक्रांत दीप रूपादि के लिए तो वह साक्षात दया की मूर्ति है और गगन रूप महान कांच पात्र के लिए
प्रक्षालनार्थ अति स्वच्छ जल है, तेज पर पदार्थों में सत्ता का प्रदान करने वाला तथा उनको प्रकाशित भी करने वाला है। इसलिए चिदा चिन्मर्त रूप जो परमार्थ वस्तु है उसका एक तरह से वह सहोदर छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होने के कारण वह उससे जनधन्य है। तेज क्रिया रूप कमलिनी के लिए सूर्य है और भूतल के हृदय का निवास जीवन है। चाक्षुष वृत्ति और मानस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ चित्ती का जैसे विषयगत ज्ञान की निवृत्ति करना चमत्कार है, वैसे ही इस तेज में भी विषयावरण अंधकार की निवृत्ति करना चमत्कार है। ये तेज विशाल ब्रह्मांड के खंदक में रहने वाला बड़ा समुद्र ही है। यो उपेक्षा करने के लिए रूपक से कल्पित धर्मों से तेज को विशेष करते हैं। ये तेज विशाल ब्रह्मांड के खंड का एक महान अविनाशी समुद्र है। आकाश तल में विद्यमान असंख्य नक्षत्र रूपी मणियों से भरा है। इसमें दिन ऋतु संवत्सर आदि काल भेद रूप चारों ओर वृद्धिगत वड़वाग्नि आदि से उत्पन्न महान शोक के कारण फैन उत्पन्न होता है। चंद्र सूर्य आदि रूप तरंगों के भीतर प्रस्तुत रज से जल के बिना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है। भद्र में तेज बन कर सूर्णादि में सुंदर वर्ण रंग बन गया, मनुष्यादि में पराक्रम बन गया, रत्न आदि में चाणक्य क्रांति विशेष बन गया और वर्षा ऋतु में विद्युत प्रकाश बिजली की चमक बन गया। राघव मुख के सदस्य चंद्रबिंबों में ज्योत्सना बन गया। बैरोनी वाले नेत्र रूप चिन्ह से अंक से युक्त मुख रूपी चंद्रबिंबों में तो ज्योत्सना के सदस्य वह बन रहे स्नेह रूपी अमृत का पूरा या साहस सौहार्द युक्त कमनीय क्रांति बन गया। कामिनी जनोग में मैं कपोल बाहु नेत्र भौंए हाथ केस आदि को अति सुंदरता से प्रकाशित करने वाला सर्वत्र चेतन रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का विलास बन गया। श्री राम जी तेज की धारणा से तेज होकर मैं वृक्ष आदि असुरों के वत्र आदि असुरों के जो त्रिभुवन को तृण के समान समझते थे तथा अपनी चेष्टाओं से अपने शत्रुओं को फंसा कंपा डालते थे, मस्तक पर वज्र प्रहार बन गया और सिंह आदि के हृदय में वीर्य रूप बन गया। वीर पुरुषों में रणांगणों में निर्भय विचरण करने का कारण जो उद्भूत पराक्रम प्रसिद्ध है वह मैं बन गया। जैसा तैसा पराक्रम नहीं किंतु अति कठोर लोक कवचों को तोड़ने वाले खंडों के परस्पर आघातों से उत्पन्न टंकार ध्वनि से अत्यंत पट्टु तथा बड़े भारी आडंबर से युक्त पराक्रम बन गया। देवों में दानवों का शत्रु, दानवों में देवताओं का शत्रु, सब भूतों में उत्तम मल तथा वृक्ष आदि स्थावरों में उन्नति रूप भी मैं बन गया। एक कमल दल लोचन तदनंतर अपनी धारणा से कल्पित उन जगदाकाश के कोशों में मैं सूर्य होकर नीचे कहीं जाने वाली समस्त वस्तुओं का अपने अंदर ऐसे अनुभव करने लगा जैसे कि प्रसिद्ध मरुस्थली अपने अंदर नदी आदि की कल्पना का अनुभव करती है। उसी को कहते हैं भद्र, मैंने अपने सूर्य के स्वरूप का अनुभव किया। उस रूप से मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए हाथी रूपी किरणों से जगत रूपी बक्षी को पकड़ लिया, जिससे कि बड़े बड़े पर्वत अवयव थे जिसके कि बड़े बड़े पर्वत अवयव थे। उस समय मुझको ये सारा भूतल एक छोटे से गांव के सदत प्रतीत हुआ। मेरा सूर्य स्वरूप चंद्र की कामना करने वाला कुमुदों के लिए कोश बंधन का हेतु चक्र बना, अंधकार रूपी समुद्र के लिए बड़वाग्नि, ब्रह्मांड रूपी घर के लिए दीपक और दीन रूपी फल समूह के लिए वृक्ष बना। इसी तरह मैं चंद्र रूप भी बन गया। मेरा चंद्र का जो स्वरूप हुआ उसका आकार अमृत से लबालब बड़ी झील के सदस्य था। वह स्वर्ण स्वर्ग का मुख के सदस्य हास्थार था, रात्रि में प्रवेश करने वालों का प्रकाश करता था। वह मेरा चंद्र का रूप समस्त जगत की सुंदरता रूपी
लक्ष्यों के उपमान तथा रात्रि रोहिणी रूप नारी एवं कुमुदों के लिए उत्तम स्नेह का भाजन था। अधिक क्या कहे, जिस जितने संसार में प्राणी है उन सबके नेत्र और मुख का आहार और विकास का हेतु होने के कारण वह अत्यंत ही प्रिय लगता था। श्री राम जी तदनंतर में मृदु तारा समूह बन गया, यानी अपने में समस्त ताराओं के समूह का अनुभव करने लगा। ये मेरी तारात्मकता आकाश रूपी लता की मानव पुष्प राशि थी और स्वर्ग सुख रूपी मंदर मकरंद के प्रवाह में आसक्त मानव मच्छरों की कतार थी। भद्र में रत्न बन गया, कुछ समय मेरा यह स्वरूप बाजारों में जोहरियों के हाथों से तुला पर तोलने के कारण आंदोलित हो उठा था तथा कुछ समय समुद्रों द्वारा जल किलों रूपी हाथों से कंपित किया गया था। श्री राघव समुद्र का जल पी जाने वाला वड़वानल भी मैं बन गया। मैंने अपने वड़वानल रूप से समुद्र में डरे हुए छोटे छोटे मच्छों के परिभ्रमण का खूब कौतुक देखा। जल को स्वाहा करने वाला सूर्य किरण का समूह बनकर मैंने अपने शरीर में प्रकाश का अनुभव किया। मेघ पर्वत आदि में मैंने बिजली और दावाग्नि का स्वरूप धारण कर लिया और उन शरीरों में अपने में अपूर्व प्रकाश का अनुभव किया। मैंने अग्नि बनकर इस प्रकार दीप्ति पूर्वक जलना आरंभ किया कि उसमें लकड़ियों का विदारण तत्काल हो जाता था। इसी से लकड़ियों के विस्फोटों से चारों ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञ आदि होकर मैंने हविष्य दाह का भी आनंद लूटा। जब मैं अग्नि बना तब सुवर्ण माणिक्य मोती मणि आदि जो चमकीली ज्योतियाँ थी उनका शोको सागर के दाह द्वारा पराभव कर उनके स्वामियों को ऐसा संताप पहुँचाया जैसे अनेक मूर्ख बलवानों के द्वारा वितंडा से एक पंडितों को संताप पहुँचाया जाता है। इस विषय की कहावत है कि एक पलाश के पेड़ को देखकर पंडित ने कहा, यह पलाश वृक्ष है, इस पर यहाँ विद्यमान अनेक मूर्खों ने मिलकर इस पर वहाँ विद्यमान अनेक मूर्खों ने मिलकर कहा, नहीं ये पाथर का पेड़ है। झगड़ा बढ़ा और मूर्खों ने पंडित की मुक्कों से पूजा आरंभ की। पंडित भी दुखी होकर कहने लगा, हाँ ये पाथर का पेड़ है। मोती बनकर जो कुछ अनुभव किया उसे भी प्रसंगवश कहते हैं। भद्र तदनंतर मैंने मोती बन गया और मोतियों के हार रूप से असुर नाग गंधर्वों और नर नारियों की रमणियों के स्तनों पर मैंने दीर्घ काल तक विश्राम किया। खदोत बनकर जो अनुभव किया उसे कहते हैं। खदोत बनकर मैंने मार्ग में गमन कर रहे मनुष्यों के पैरों से खूब रगड़ जाने खाने का अनुभव किया और स्त्रियों के ललाट पर तिलक रूपता का भी अनुभव किया। स्थान भेदों से प्राप्त हुए उत्कर्ष अपकर्ष रूप अवस्था में मेरी चपलता अनियतता तो जरा देखिए। जल के आवर्तों से शब्दायमान आकाश मेघों में विद्युत का रूप लेकर मैंने समुद्र में मछली के सदस्य अत्यंत सुंदर ढंग से चेष्टाएं की। मैंने कहीं दीपक रूप भी ले लिया। दीपक के रूप में जब मेरी अंतःपुर में स्थापना हुई तब रमणियों की सुंदर क्रीड़ा का भी मैंने अवलोकन किया। दीप के रूप में पुष्प कलिका में के सदस्य मेरे कोमल अंग खूब शोभते थे। बत्ती के आगे के हिस्से में कभी कभी काजल का एक जाल सा बन जाता है। ये दीप ज्वाला रूप सोने के टुकड़े को तोड़ फोड़ देता है, यही इसका स्वरूप है। भद्र इस कज्जल जाल के ही समागम से कभी मंद प्रभ बनकर ज्वालादि अंगों को समेट लेने के कारण दीपक रूप में मैं घन कुर्म का रूप भी बना लेता था। राघव कभी कल्पांत का अग्नि बनकर मैंने कल्पांत में समस्त जगत में खूब परिभ्रमण किया। भ्रमण करने के कारण उस समय मुझे जो बड़ा परिश्रम हुआ उससे कज्जल श्याम आकाश में कहीं ऐसे विलीन हो जाता था जैसे इंद्र के वाहन काले मेघों में विद्युत विलीन हो जाते हैं। कहीं वड़वाग्नि के रूप में मैंने कल्प पर्यंत खूब जलपान किया। तदनंतर सब जगत और सब जल जब
जल जब हम आकाश यानी शून्य रूप हो गए तब आकाश में नृत्य किया। मैंने जब अग्नि की देह धारण की थी तब जलती लकड़ियों ही मेरे उल्लुक दांत बन गई, ज्वालाएं हाथ बन गई और चंचल द्रुम्र के आवर्त केश हो गए। इस रूप से जब नगर और प्ररूढ़ लट्टा पल्लवों का दाह करना आरंभ किया तब हे कृतार्थ दयादि आठ गुणों को स्थिर करने बनाने वाले हे श्री राम जी, जंतुओं को ग्रास कर जाने वाले मैंने काष्ठ आदि पदार्थों को अपना खाद बना लिया। लोहार आदि कारीगरों की प्रयोगशाला को मैं लोह पिंडों में रहकर मैंने मुदगर तथा पत्थरों से ताड़ित होकर ताड़न करने वाले को जलाने के लिए चिंगारियां तथा पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ उगले। भद्रक कहीं पर मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर हीरा पन्ना आदि का रूप लेकर समस्त भूतों की दृष्टि से ओझल होकर सैकड़ों युग तक वास किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे मानद हे मुनीश्वर, उस पाषाण आदि अवस्था में क्या आपने सुख का अनुभव किया अथवा दुख का अनुभव किया, ये मुझसे ज्ञान के लिए कहिए। चिदानंद के स्वरूप ब्रह्मभूत मैंने केवल कौतुकवश जगत तृप्ता का आरोपण देखा था, इसलिए उक्त पाषाण मणि आदि अवस्थाओं में मुझको तनिक भी सुख नहीं हुआ किंतु सुख ही हुआ, तनिक भी दुख नहीं हुआ किंतु सुख ही हुआ। यूँ उत्तर देते हैं कि वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा हे रामचंद्र जी, जैसे तृप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है वैसे ही जैसे सुप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है वैसे ही चिद्रूप आकाश दृश्यमान को प्राप्त होकर जड़ता का अनुभव करता है। जब ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप के सदस्य समझने लगता है तब सुसुप्त के सदस्य जड़ सा बनकर स्थिर रहता है। वास्तव में इसका जो भीतर सच्चिदानंदात्मक स्वभाव है उसका अन्यथा भाव कभी नहीं होता, इसलिए दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों ब्रह्म का अनर्थ भाव नहीं होता, इस आशंका पर कह दे ब्रह्म में जो आकाश पृथ्वी आदि स्वरूप वास्ते है वे वास्तव में ब्रह्म के सद या असत्व का स्वरूप नहीं है किंतु यो ही दृष्टा दृश्य से वे वास्ते हैं, इसलिए ब्रह्म तो सदा ही एक सा यानी अविकृत ही अवस्थित है। अज्ञान होने पर ही दुख आता है किंतु वह नहीं है ये कहते हैं। भद्र जिस पुरुष को ये सच्चिदानंद गण सच्चिदानंदात्मक अखंड ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया उसकी दृष्टि में न तो पांच भूति है और न उसे दृश्य दृष्टा का विभ्रम ही भासता है। भद्र उन धारणाओं में मैंने जो कुछ उस प्रकार का जगत निर्माण किया वह सब विशुद्ध ब्रह्म रूप बनकर ही किया क्योंकि जगत निर्माण करने वाले का शुद्ध ब्रह्म रूप के बिना कुछ रूप हो ही नहीं सकता। जब परमार्थ दशा में यह सब कुछ दृश्य निर्विकार ब्रह्म रूप ही सिद्ध हुआ तब ब्रह्म पद में ही रहकर मैंने अपनी आत्मा को उक्त नानाविध जगत के रूप में देखा। यह बात निश्चय रूप से आप जान लीजिए, यदि पाषाण मणि आदि का रूप होने पर मुझ में चैतन्य न रहता तो उसका अनुभव और स्मरण आज मुझको होता ही नहीं। इस आशंका से कहते हैं श्री रामचंद्र जी, पृथ्वी आदि की धारणों द्वारा अपने को पृथ्वी आदि पांच भूतों के रूप में प्रकाशित कर रहा मैं यदि जड़ रूप ही बन जाता तो मैं उसका अनुभव ही कैसे कर सकता। तब सुसुप्ति अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना, ये ज्ञान के अभाव का अनुभव कैसे होता। इस पर कहते हैं मैं सोया हूँ इस दृढ़ भाव को चेतन होकर भी मैंने जाना, उस दशा में निंद्रा दोष से उपस्थित किया गया अज्ञान ही मैंने कुछ नहीं जाना इस प्रतीति से प्राप्त कराई गई जड़ता धारण करता है और प्रकाशमान स्वप्रकाश रूप जो वस्तु है वह तो उस समय प्रकाशती और अनुभव करती रहती है। यदि वह बात न होती तो सुषुप्ति काल में अनुभव तो अज्ञान का जागृत काल में स्मरण कैसे होता। तत्वज्ञान की प्राप्ति से स्थूल व्यष्टि समष्टि देह की आदि भौतिक भावना नष्ट हो जाती है, इसलिए भी जड़ दुख
दुख जड़ दुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस आशय से कहते हैं जिस पुरुष की आत्मा सत्व ज्ञान से जग गई है उसकी आदि भौतिक देह तत्काल विलीन हो जाती है, यानी देह में आदि भौतिकता की प्राप्ति नहीं रहती और निर्मल बोधरूप अतिवाहिक देह की उत्पत्ति हो जाती है। बोधरूप उक्त अतिवाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी हो उससे अपनी इच्छा अनुसार पुरुष निर्वाण रूप समस्त प्रपंचों से रहित जीवन मुक्त रूप होकर स्थिर हो जाता है। बोध रूप देह के प्रभाव से अभेद पाषाण शिलाओं के भी भीतर प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहर निकल जाता है, पाताल में चला जाता है और आकाश मंडल में भी विचरता है। इसलिए मुझे दुख की प्राप्ति नहीं हुई ये कहते हुए उपसंहार करते हैं श्री रामभद्र। इसलिए उस समय बोधरूप देह के कारण अनंत चिन्मयी आकाश रूप मैंने पृथ्वी आदि की धारणा बांध कर पृथ्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था। भद्र वज्र पत्थर पाताल आकाश एवं स्वर्ग आदि में यातायात कर रहे उसी तरह के विशुद्ध आत्मा को तनिक भी विघ्न उपस्थित नहीं होता। बोध मात्र शरीर से ये आत्मा जड़ पदार्थों में जब तक रहता है तब तक उसी रूप से बोध मात्र शरीर से ही उनमें रहता है, अन्य रूप से नहीं। ये सब कौतुक अपनी इच्छा से ही किए गए थे इसलिए भी दुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस आशय से कहते हैं अपनी ही इच्छा से यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र जाता है या वहाँ स्थिति करता है या वहाँ से वापस चला आता है तो दुख नहीं होता। ठीक उसी प्रकार की यहाँ भी स्थिति है, यानी अपनी इच्छा से किए गए कौतुकों में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ क्योंकि वैसा करना इष्ट ही था, अनिष्ट नहीं। आप भी तत्वज्ञानी हैं इसलिए आतिवाहिक देहभाव और धारणाओं के अनुसार जगत भाव रूपी कौतुकों का दर्शन आपके लिए भी सुलभ है, अतः मेरे कहे गए विषय की परीक्षा करें। इस आशय से कहते हैं भद्र एकमात्र तत्वज्ञान ही अविनाशी आतिवाहिक देह है ये तत्वज्ञों का मत है। इसलिए अब आप यदि इच्छा करें तो आतिवाहिक देह और धारणा द्वारा जगत भाव का अवलोकन कर सकते हैं। इच्छा से ही तत्वज्ञ पुरुष सूर्यादि समस्त जगत को विलीन करके आत्मात्र स्वरूप से स्थापित कर सकते हैं। ये कहते हैं इस तरह सूर्य आदि लोकों में चिन्मात्र स्वरूप आकाश रूप में ही हूँ। इस बोध से अपनी आत्मा के असली स्वरूप से ज्ञात होता हुआ भी सूर्यादि लोक जगत के बोध से असत साद था अस्त को प्राप्त सा हो जाता है, यानी तत्वज्ञ लोग सूर्य आदि समस्त जगत को जगत रूप से असत बनाकर आत्म रूप से स्थापित कर लेते हैं। ये तात्पर्य है। हम लोगों की दृष्टि में जगत तो सत्य है फिर वह सत्सा बनकर स्थित है वह कैसे कहते हैं? इस शंका पर स्वप्न आदि जगत के विद्यमान रहते जागृत जगत कैसे असत सा रहता है वह कहते हैं। जैसे जागृत पुरुष की दृष्टि में विद्यमान ही जगत सुप्त पुरुषों में प्रसिद्ध स्वप्नादि जगत में अज्ञानता के कारण असत्सा शून्यभाव के कारण अवरुत सा या स्वप्न दृष्टा पुरुषों के द्वारा अलभ्य सा बनकर स्थित है वैसे ही प्रकृत में समझना चाहिए। भद्र जैसे कोई कौतुकी पुरुष मनोराज्य से कल्पित अंगारों की नदी के तरंगों का अंग से स्पर्श हो जाने पर भी दुखी नहीं होता वैसे ही अपनी थोड़ी इच्छा के कारण पाषाण मणि आदि रूप हो जाने पर भी दुखग्रस्त नहीं हुआ। जो श्री रामभद्र के प्रश्न का उत्तर देकर अब प्रस्तुत विषय पर आकर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं भद्र इस तरह अग्नि रूप धारण मैंने काजल रूपी भ्रमरों के समूह से समन्वित एवं अशोक रूप फूलों की शोभा से युक्त प्रदीप्त ज्वालाओं के कारण अग्नि से व्याप्त जंगल को विकसित स्थल कमल के सदस्य बना लिया। हे प्रिय दुष्ट पुरुष की लक्ष्मी के सदस्य बड़ी हुई तथा घटोत्पद पूर्ण चंचल और ऊंची ऊंची ज्वालामालाओं के रूप से तत्काल ही उत्कर्ष प्राप्त कर मैं सहसा नष्ट भी हो गया। हे राम जी तेजस्वरूप बनकर मैंने परमाणु कणों के भीतर इसी तरह की जिस प्रत्येक जगत शोभा का अवलोकन किया वह जगत शोभा और ताप आप जैसे देख रहे हैं
वह जगत शोभा दोनों सर्वोच्च चिदाकाश से भिन्न नहीं है। इस विषय में दृष्टांत आपके आपके स्वप्न के प्रसिद्ध नगर या पर्वत विद्यमान है। 91वां सर्ग समाप्त।